हे बचा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे हैं। और कमेंट बॉक्स लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि काफ़ी दिनों से कमेंट बॉक्स नहीं आ रहा, और बच्चों के कमेंट्स जो हैं वो इतने सारे हो गए हैं। आधे बेचारे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर भी मैसेज नहीं कर पाते हैं या फिर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी पूरी कोशिश आती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कम्फर्टेबल नहीं है टेलीग्राम यूज़ करने में, वो यहाँ पर भी मैं उनको जवाब दे दूँगी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लेट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वाला वीडियो। सबसे पहले तो टेलीग्राम पर कैसे जुड़े, यही चीज़ नहीं आ रही है। तो बच्चे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप प्रेस कर दीजिए और क्लिक करिए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद रिक्वेस्ट हमारे ग्रुप में आपकी शो हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर ग्रुप में जो सीनियर टीम मेम्बर्स हैं, मतलब टीम स्टूडेंट्स जो सीनियर हैं, वो आप लोगों से थोड़ा सा पर्सनल में बात करेंगे, देखेंगे कि आप कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं हो। उसके बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी और आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ओके। तो इस तरीके से है, तो ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, हर खबर टाइम पर, अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। कोई चैनल वगैरह है या फिर आपने जीमेल का नेम ही ये रखा हुआ है, मुझे बताइएगा। मैंने रेगुलर 10th करी है, सितंबर में फेल हो गया मैं। ओपन में तो नहीं जाऊंगा अगर मार्च में पेपर दूं तो। बेटा, ओपन और रेगुलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो DMC है वो नॉर्मल ही आती है, जैसे रेगुलर वाले भी आती है, ठीक है। तो आप ओपन में जाएं ना जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंडीशन इसकी आप पास हों बस, ठीक है। आप उस पर फोकस करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे CTP के स्टूडेंट जो हैं वो ओपन में चले जाते हैं और ओपन के तहत वो पेपर देते हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं होता है। बस ओपन का मतलब ये होता है कि आप रेगुलर स्कूल नहीं जाएंगे, दैट्स इट, सिर्फ इतनी बात है। बाकी DMC में कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता कि आप ओपन से पेपर दिए हैं, आपने रेगुलर से दिए हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई जॉब में आपको ये नहीं बोलता है आपने ओपन से 10th की थी, 12th की थी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ आपके परसेंटेज से पड़ता है, ओके। रूपाली मैम, 12th जिसने ओपन से करी है उसकी स्कॉलरशिप लगेगी? हाँ, लगेगी। अगर आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो स्कॉलरशिप परसेंटेज से मैच होता है तो ज़रूर मिलेगी बच्चे, ठीक है। ओपन रेगुलर में कोई फ़र्क नहीं होता है, आप लोग ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ठीक है। CTP फॉर्म अभी क्या बोल रहे हैं, CTP फॉर्म किस वीडियो पर कराया है? हाँ, नोटिस के उस पर कराया था। CTP वालों, अपनी डिटेल्स चेक कर लो बच्चे, आपकी डिटेल्स जो हैं वो सेम है या नहीं है, सही है या नहीं है, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका नेम प्रॉपरली सब कुछ है या नहीं है, ओके। उसके बाद हेलो मैम, नगमा, हेलो मैम, मैंने मार्च में जो एग्ज़ाम दिए थे मैं सिर्फ मैथ्स में फेल थी। मैंने जुलाई में री का एग्ज़ाम दिया, वो हमारा कैंसिल कर दिया, रिजल्ट ही नहीं दिया था। फिर जब मैंने सितंबर में एग्ज़ाम दिया तो वो मेरा बहुत अच्छा गया था, उसमें मुझे सेम मार्च वाले मार्क्स दे दिए हैं। अब मैंने रेवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है, लेकिन आप बोल रहे हो जिनकी मैथ्स में री होती है उनको रेवोल्यूशन में भी फेल कर देते हैं। अरे मैंने ऐसा कब बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला बच्चे। जिसकी री होती है उनको फेल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पेपर करके आए हो ना, तो डजेंट मैटर आपने री एवेल्यूएशन फॉर्म फिल किया है, रीचेकिंग फॉर्म किया है। अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखा करो, अगर आपने पेपर पास होने लायक दिया हुआ है ना, तो आपका रीचेकिंग हो या रिवेल्यूशन हो आपको पास करा जाएगा, ठीक है। तो आप फिक्र मत करें बिल्कुल भी, प्लीज़, ठीक है। दिनेश कुमार मैम, सितंबर की DMC, बेटा देखो 2 से 3 महीने लगते हैं DMC आने में, तो आप लोग अभी देख लीजिए दिसंबर जनवरी में आपकी DMC जो है स्कूल में पता करिए, नहीं तो बोर्ड से आपकी DMC डायरेक्ट एड्रेस पर आ जाएगी। जो ओपन वाले बच्चे होंगे आप थोड़ा सा आसपास पूछिए, पता लग जाएगा, ओके। मैम, मैं CTP का फॉर्म भरी थी, उसमें मेरा जीमेल आईडी गलत हो गया, मेरा एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ रिप्लाई। CTP का फॉर्म भरी थी उसमें मेरा जीमेल आईडी गलत हो गया? नहीं, एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जीमेल अगर आपने सही नहीं भी दिया तो आपने एक फ़ोन नंबर दिया होगा। अगर फ़ोन नंबर आपके पास है, आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आईडी है, तो वहां से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, डोंट वरी। इसलिए मैं बोलती हूं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अपनी जीमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर आपने वही देना है जो कि चल रहा हो, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखा करो। मैडम जी, सितंबर में मेरा कंपार्टमेंट का पेपर था जो, उसमें मैं फेल हो गया, हम दोबारा पेपर कब होंगे? चलो ये तो मार्च में होंगे, ठीक है। सोहिल ब्लॉग, आपको मैंने बेटा रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर आ जाओ सबके सब, मार्च तक आप लोगों के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। और मैं वीडियोस जो हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रही हूं, तो मुझे जवाब देने का टाइम नहीं मिलेगा। ये देखो सोहिल ने कितने कमेंट्स कर रखे हैं, एक कमेंट कभी मैं जवाब दे देती हूं, तो इतने कमेंट मत किया करें। 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, कौन से सब्जेक्ट के चाहिए आपको, जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो मैं ट्राई करूँगी आपके लिए बनाने का, ठीक है। अभी 10th के ऊपर फोकस है और 10th के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं इसलिए, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड आप लोगों के फरवरी में आएंगे, अभी नहीं आ रहे एडमिट कार्ड, ठीक है, ओके 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 ओके। उसके बाद में
मैम मैंने जुलाई में पेपर दिए हैं, रिजल्ट पीआरएस आ रहा है, तो अभी तक ऐसे ही है, तो डीएमसी पे क्या आएगा? डीएमसी आपकी अभी आएगी नहीं, अगर आपका पीआरएस आ रखा है तो आपकी ओल्ड डीएमसी ही रहेगी, और आपको ओपन के तहत जो है वो मार्च वाला पेपर का फॉर्म भर देना है। आप उसके फॉर्म भर दीजिए और वहाँ से आप एग्ज़ाम को दोबारा दीजिए बेटा, ठीक है? पीआरएस के भरोसे रहेंगे तो पेपर ही रह जाएगा। अगर नहीं कोई अपडेट आई है तो आप फॉर्म को फिलअप करिए फटाफट। इंग्लिश में देखो बेटा, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो आपकी वीडियोस बनाती हूँ ना, अगर वो हिंदी में बना रही हूँ तो मैं इस टाइप से आप लोगों को बताती हूँ कि आप इंग्लिश वाले भी उसको समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने रट्टा मारा हुआ है कि इंग्लिश में क्यों नहीं है, हिंदी में ही मैम बता रही हैं। जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो भी तो इंग्लिश वाले ही होते हैं। अगर मैं आप लोगों को परावर्तन अपवर्तन बता रही हूँ, नेत्र बोल रही हूँ, तो नेत्र मतलब आई है, आई के मैं अगर ह्यूमन आई के अगर मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ तो उसके अंदर आप क्वेश्चंस जब देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा वो सेम इंग्लिश में भी वैसे ही होते हैं, तो आपको हल्की से हिंट पता लगेगी। बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो आपके गाइड में अवेलेबल होंगे ना, वहाँ से पढ़िए आराम से, ठीक है? बाकी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों पे फोकस कर रही हूँ, जितना हो पाएगा उतना करूँगी, और कोशिश रहेगी कि दोनों मीडियम को मैं सपोर्ट कर पाऊँ, ठीक है? 5-6 मार्क्स वाले भी इतनी जल्दी बताऊँगी। हिंदी और SST चल रही है, धीरे धीरे आ गई है ना, एडिशनल की DMC आप लोगों की आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और जुलाई रेवोल्यूशन में फेल हो गया था तो मेरी न्यू DMC बनेगी, ये नहीं रेगुलर वाली DMC। रेवोल्यूशन फेल हो गए हो तो आपकी ओल्ड DMC क्वालिफाइड वाली ही चलेगी, ठीक है? अगर आपको मार्च में पेपर देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज क्वालिफाइड DMC अगर पिछली बार है तो आपकी वही मान्य होगी। सारे सब्जेक्ट की करवाऊँ, ओके, सक्सेस थिंक, ठीक है? आप अपना रियल नेम बता दो मुझे, अपने अपने रियल नेम बता दिया करो, मुझे तुम्हारे नेम नहीं पता है क्या क्या है। क्या यही क्राइटेरिया 2023 HBSC में भी चलेगा? नहीं, ये वीडियो जो है वो एक साल पुरानी है और पिछले साल की है, तो इसलिए अभी ये चीज़ नहीं चलेगी। अब आप लोगों के MCQs जो है वो मैक्सिमम सिर्फ 20 आएंगे, उसमें से भी 17 आएंगे जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, अब 40 MCQs नहीं आएंगे, ठीक है? मैम ऑल सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन करवा दीजिए और हमारे लिए गॉड से कम नहीं हो। थैंक यू। आप लोग इतना ज़्यादा बड़ा दर्जा मुझे मत दिया करें, ठीक है बच्चे? ओके, चलिए ठीक है। वीडियो बहुत सारे कमेंट हो गए, और बाकी किसी का कमेंट हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। कोशिश रहेगी हफ्ते में 1 या 2 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर आऊँ, ठीक है ना? और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर आ जाऊँ, सबके सब वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर डाउट भी अपने पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।